पृथ्वीराज जी, मैं आपसे भी यही सवाल पूछूंगा, क्योंकि आज तक हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि अब तो प्रियंका गांधी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, आप लोग लगातार अब जो विरोध प्रदर्शन है उसके माध्यम से भी जो तमाम बातें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी चल रही है उसमें कांग्रेस पार्टी को आप कैसे देखते हैं और इसका काउंटर क्या है आपके पास? अभिषेक राज जी, देखिए, जैसा कि डिबेट शुरू होने के वक्त आपने एक बात, ओपनिंग स्टेटमेंट आपका था, आपने भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछा, उन्होंने सवाल आपका यह था कि 135 सिटिंग विधायकों के टिकट कटने वाले, ऐसी अटकलें लगाई, 150 अटकलें ऐसी लगाई जा रही है और कई समय से ऐसी बातें चल रही थी। अगर इन 4.5 वर्षों की सरकार में सब कुछ सही सलीके से और तरीके से किया गया होता तो ये नौबत नहीं आती कि अपने 150 सिटिंग विधायकों के टिकट काटने पड़ते, पहली बार। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल रहा, तो भारतीय जनता पार्टी ने तुष्टिकरण की, समाज में खाई पैदा करके बांटने की राजनीति ही करी है। इन लोगों ने जातिगत सम्मेलन 2019 के चुनाव में भी किए थे, 2022 के भी चुनाव आने वाले हैं, लोग कर रहे हैं, और तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी करती रहती है। और छोटी छोटी पार्टियों के साथ इन्होंने गठबंधन आखिर में क्यों कर रखा है? साथ उन जातों का वोट पाने के लिए तो कर रखा है जो जातों के नाम पे पार्टियां बनी हुई। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल रहा, कांग्रेस पार्टी आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में अपने संगठन पर कार्य कर रही है पिछले 3 वर्षों से, और उत्तर प्रदेश में मुखर विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी केवल नजर आई है जब भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी नीतियों की वजह से, चाहे वो हाथरस हो, चाहे कुलदीप सेंगर का मामला हो, चाहे चिन्मयानंद का मामला हो, और अब ये जो मामला है किसानों की हत्या का, कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की दमनकारी की नीतियों के खिलाफ हमेशा आवाज उठाई है और इंसाफ की गुहार लगाई और आम जनमानस को इंसाफ दिलाने की कोशिश करी है। आज भी हमारे नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी लखनऊ के जीपीओ पे मौन धरना दे रही हैं, वहां बैठी हुई हैं।